पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कचौरी। मैं बनाती हूँ, उसके लिए मैंने आटा ले लिया, क्योंकि हम दो तीन ही लोग हैं तो मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी, सूजी से जो है कचौरी खस्ते और टेस्टी बनेगी। और अजवाइन और नमक मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि अजवाइन हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, पेट भी अच्छा रहता है। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। मैं आटे में घी डालती हूँ ताकि पूरी जो है अच्छी खस्ती और कुरकुरी बने। मैंने अजवाइन, नमक, घी, सूजी सब आटे में अच्छी तरह आप मिला लिया। अब मैं इसको आटे को लगा लेती हूँ। मैंने आलू को सुबह ही उबाल लिया था। जब मैं अर्श के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी तभी मैंने साथ साथ में आलू भी उबाल लिए थे। अब ये अच्छे ठंडे हो चुके। अब मैं फटाफट मसाला तैयार कर रही थी। इसमें डालूंगी मैं धनिया। धनिया पत्तियां मैंने पहले ही साफ कर ली थी, वॉश कर ली थी। तो मैंने आलू में धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा प्याज और लहसुन। थोड़ा गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। अब मैं इसको मिला लूंगी। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं बना लेती हूँ पूरी सारी कचौड़ी।
देखो इन कचौरियों को बनाने में मैंने बिल्कुल भी बेलन का प्रयोग नहीं किया। मैं खाऊंगी दही के साथ और आप इनको चाय के साथ या दूध के साथ या हरी चटनी के साथ जैसे भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। देखो मैंने आपको जैसे पहले ही दिखाया कि कचौरियां बिल्कुल भरी भरी ही बनी हैं और अच्छे से फूल भी गई हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जो मैं बिना बेलन के ही मैंने कचौरियां बनाई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, खुशियां बांटें।